अगला दिन हो गया है, यात्रा का शुभारंभ हम लोगों ने कर दिया है। शेषनाग से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला स्टॉप हमारा वैसे तो है बाहुबल, उसके बाद गणेश टॉप पड़ेगा, उसके बाद पंचतरणी पड़ेगी। 14 किलोमीटर यहाँ से पंचतरणी का पूरा बताया जाता है इलाका। धीरे धीरे हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। आज पंचतरणी पहुँचना है, उससे ज़्यादा हम लोग पहुँच भी नहीं पाएंगे। 14 किलोमीटर है हमारे साथ, एक साथी को घोड़े पर बैठा दिया गया है। हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, मिलते रहेंगे। फिलहाल यात्रा का अगला चरण हमने प्रारंभ कर दिया। ये जगह कल रात में बारिश होने की वजह से काफ़ी कीचड़ और गंदगी से भर गई है। यहाँ से हम लोग आए हैं, इतनी देखिए कितनी कठिन चढ़ाई है यहाँ पे, इस जगह पे बिल्कुल ज़रा भी रास्ता नहीं है और बिल्कुल कड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे आर्मी उधर तक रास्ता गया है। दो मिनट हम लोग शेषनाग से निकलकर गणेश टॉप के बीच में हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा और कठिन चढ़ाई यहाँ पर, ऑक्सीजन की कमी भी आपको यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ज़रूर मिलेगी। हम लोगों की सांसें फूलने लगी हैं ऑक्सीजन की कमी से। हमारे ओंकार जी बैठे हैं, इनसे जानते हैं थोड़ी यात्रा के बारे में। ओंकार जी, आप अभी शेषनाग से यहाँ तक आ रहे हैं, क्या कठिनाई आपको महसूस हो रही है? देखिए शेषनाग से आगे चलने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो सांस जल्दी जल्दी फूलने लगती है। अब ऐसी स्थिति में ना आप पानी पी सकते हो, ना आप बहुत ज़्यादा चल सकते हो, इसलिए हर 100-200 मीटर पर रुकना पड़ रहा है 10 से 15 मिनट। रुकने से क्या होता है कि सर ऑक्सीजन रुकने पर मिल जाती है पर्याप्त, तो फिर आगे के लिए दिक्कत हो जाती है। लोग बताते हैं कि अभी यहाँ से तकरीबन तीन किलोमीटर है गणेश टॉप। गणेश टॉप के बाद ऑक्सीजन भी थोड़ा सामान्य हो जाएगा और जो यात्रा है वो चढ़ाई समतल आ जाएगी जी। तो वहाँ से पंचतरणी तकरीबन 6 किलोमीटर है, तो वो चलने में थोड़ी सुविधा हो जी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग चल रहे हैं। 1.5 घंटे में हमने तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया है जी। आगे की कहानी आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे ओमकार जी जिन्होंने यात्रा के बारे में आपको बताया। अभी यहाँ पे देखिए धूप खिल रही है, ठंडी से तो थोड़ी निजात बहुत ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हाथों में गलन हो रहा था। हम लोगों ने भी कैप वगैरह ले रखे हैं और गर्म बहुत तेज थी। मेरे ख्याल से यहाँ 2 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहा होगा। अब धूप बढ़ रही है, इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ले सकता है। आगे पहुँचने पर आपको यात्रा के अगले पड़ाव में आपको आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार। जैसा कि आपने देख लिया बोर्ड में, हम लोग 3902 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर बाहुबल नाम की जगह पर पहुंच चुके हैं। और यहां से महागणेश टॉप और पोषपत्री, उसके बाद फिर रास्ते भर मिलता जाएगा। यहां हम लोग एक स्टॉप है, अच्छा स्टॉप है हमारा, भारतीय झंडा तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। इन चोटियों पर हमारे आर्मी पर्सन जो ड्यूटी करते हैं वाकई काबिल तारीफ है। सोच लीजिए अगर 3902 फीट 3900 फीट की ऊंचाई पर यह हाल है तो सियाचिन ग्लेशियर में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे आर्मी के जो जवान हैं जुटे रहते हैं, कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सोचते, किसी चीज़ का उन्हें डर नहीं है।
यहाँ पे देखिए मेडिकल कैंप BSF ने लगा रखा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी यहाँ पे है, बहुत सेवा कर रहे हैं। और केवल आर्मी की बात नहीं है, यहाँ पे भंडारे करवाना एक बात मान लीजिए कि अगर यहाँ पे भंडारे ना हो तो आदमी यात्रा कर नहीं पाएगा, पूरी नहीं कर पाएगा, मर जाएगा बीच में, इतनी व्यवस्थाएं अगर ना हो तो। चलिए एक सेल्फी पॉइंट जो यहाँ का है, कीचड़ बहुत हो गया है। वाउबल से आगे गणेश टाप की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में पूरा मौसम, यहाँ से लोकेशन पूरी चेंज हो गई है, अब सिर्फ उनको चारों तरफ बर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। और तो और ये यात्रा भी हम लोग बर्फ पर ही कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बहुत कमी है, सांस फूल रही है, लेकिन भोले के दरबार में जाना है, जाना है। बड़ा ही देखने में खूबसूरत नजारा है, लेकिन ये यहाँ पे चलने में और सर्वाइव करने में बड़ी मुश्किल है। चल रहे हैं हम लोग, बस भोले बाबा का आशीर्वाद उन्हें बस आ रहा है। चलो भोले, साइड भोले, निरंतर पहाड़ बर्फ यही सब है। अब आगे ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह का नाम है गणेश टॉप। गणेश टॉप नाम अभी तक आपने मेरे मुंह से टॉप बहुत सुने होंगे, ये टॉप वो टॉप इस टॉप पे उस टॉप पे। असल में टॉप होता क्या है ये जान लीजिए, टॉप होता है कोई भी पहाड़ी होती है उसका नाम होता है। जैसे ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी का नाम लोग हैं, पहाड़ी का नाम है गुनेश टॉप, महागुनेश टॉप। कश्मीरी में डोंगरी भाषा में गणेश को गुनेश बोलते हैं, गुनेश। तो हम लोग इसके टॉप पर हैं, यानी इसके सबसे ऊंचे भाग पर हैं, इसकी चोटी पर हैं, इसलिए इसको हम लोग महागुनेश टॉप कहते हैं। ये देखिए पूरा बर्फ से जुड़ा हुआ स्थान है, मेडिकल कैंप है, एक सर दर्द की दवा मिल लेता हूँ। ये देख रहे हैं हमारा सब, ये हमारे आर्मी के भाई, आर्मी के जवान जो लगातार अमरनाथ यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर हैं, कैंप लगाए हुए हैं, पानी दवा और कोई सुविधाएं जो भी आवश्यकता होती है लोगों को तुरंत मुहैया कराते हैं। आर्मी का बहुत बड़ा रोल है इस अमरनाथ यात्रा में, अगर आर्मी को यहाँ से हटा लिया जाए तो अमरनाथ यात्रा बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी लोगों के लिए। इस जगह का नाम गणेश टॉप, यहाँ तक चढ़ाई दुर्गम चढ़ाई थी, गणेश टॉप के आगे से चढ़ाई कम हो जाएगी, कुछ लगभग 12 किलोमीटर तक ढलान मिलने वाली है, के बाद फिर 4 किलोमीटर का रास्ता बचेगा चढ़ाई के लिए, जो कि पंचतरड़ी से।
आप पीछे देख रहे हैं गणेश टॉप। गणेश टॉप से थोड़ी सी ढलान जरूर मिल रही है जिससे चलने में थोड़ी आसानी हो रही है, लेकिन आपको मैं थोड़ा बर्फ से रूबरू कराऊंगा। ये देखिए, कहने को नहीं है, सिर्फ कहने को नहीं है, देखने को है। देखिए, सिर्फ बर्फ बर्फ। यात्रा की जब शुरुआत होती है तो अभी जो आपको इधर छोटे छोटे ये पहाड़ के बर्फ इससे जो बिना बर्फ के दिख रहे हैं वो भी नहीं रहते हैं, जिस पर मैं चल रहा हूँ ये भी नहीं रहते हैं। इस पर 5-5 फीट बर्फ जमी होती है। यात्रा के शुरुआत में कोसपत्री यहाँ से 2 किलोमीटर है, पंचतरनी 10 किलोमीटर है। यात्रा की शुरुआत में जब शुरुआत होती है यात्रा की तो उसमें काफ़ी बर्फ लोगों को मिलती है। हम लोग अभी बीच में हैं, हमारे बाद जो आएंगे और भी गलती जाएगी बर्फ, क्योंकि जैसे जैसे धूप पड़ती है टेम्परेचर बढ़ता है, बर्फ पिघलती रहती है। और ये एक नेचर की प्रक्रिया है बर्फ को जमाने के लिए, फिर इसका सहारा लेना पड़ता है। मैं अभी वीडियोस आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि ये बर्फ पर मैं चल रहा हूँ, फिसलन बहुत होती है, अभी 2-3 लोग पीछे गिरे भी हैं, तो इसलिए आगे मैं भी कुछ देर में दिखाता हूँ आपको। जगह हम लोग पहुंच गए हैं कोसपत्री। उसके बाद कोसपत्री ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, हर जगह आप जगह जगह बाबा अमरनाथ बर्फानी के बारे में